भाई फास्ट एंड फ्यूरियस तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फिल्म्स हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फास्ट एंड फ्यूरियस की फिल्म्स बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होती हैं, क्रेजी एक्शन होता है, थ्रिलिंग होती है, बाइक चेज होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ऐसे में मैं थोड़ा सा लाउड थिंकिंग कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि अगर फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज जो है वो इंडिया में बनेंगी, स्पेशली बॉलीवुड में बनेंगी, तो विन डीजल का कैरेक्टर कौन परफॉर्म करेगा और द रॉक का ड्वेन जॉनसन का कैरेक्टर कौन परफॉर्म करेगा। तो चलिए, नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज और लाउड थिंकिंग करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि विन डीजल का कैरेक्टर में भाईजान सलमान खान एकदम परफेक्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई का एकदम मस्त डोला वोला है, एक अजीब सी भाई की एक पर्सोना है, एक चार्मिंग पर्सोना है जो कि हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वहीं अगर मैं द रॉक की बात करूं, यानी कि ड्वेन जॉनसन की बात करूं, तो ड्वेन जॉनसन के किरदार में मुझे लगता है कि जॉन अब्राहम नंबर वन पे रहेंगे, क्योंकि जॉन अब्राहम He has that build, you know, and he has that persona, the personality. So, ये तो है मेरा interpretation कि अगर कभी Fast and Furious हिंदी में बनती है, यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले इसे adopt करते हैं, तो मैं चाहता हूँ भाईजान और जॉन अब्राहम एक फिल्म के अंदर आ जाए। आपको क्या लगता है? क्या आपको भी पसंद आई है कास्टिंग की नहीं? और आप किसे कास्ट करना चाहेंगे विन डीजल के और द रॉक ड्वेन जॉनसन के कैरेक्टर में? कमेंट सेक्शन आपका है, फटाफट बता दीजिए। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं पल पल की अपडेट आपको करता रहूंगा।